कुछ सियासी तजिया कारों का ये मानना है कि शायद इमरान खान साहब से भी अब इस्टेब्लिशमेंट के रबते हैं और उन्हीं रबतों के नतीजे में ही बुशरा बीबी की भी रहाई हुई है। नहीं, बिल्कुल गलत है, कोई रबते नहीं है, कोई कंट्रैक्ट नहीं है। अगर रबते होते तो इमरान खान को इस तरह कन्फाइंड किया जाता है, छोटी सी सेल में रखा जाता तो उसकी इतनी बेतकीरी होती, इतनी बेइज्जती होती, इतनी उसको तंग किया जाता। लेकिन उसकी जो जेल मैनर के मुताबिक उसका राइट बनता वो भी नहीं दिया जा रहा है। जेल की अभी आपने बात की तो जेल के बारे में मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं कि कोई खान साहब को कोई सहूलतें वहाँ पर दस्तयाब नहीं हैं, उनकी दाढ़ी भी बड़ी हुई है, उनको अखबार और टी वी की भी सहूलत भी असर नहीं है, जबकि जेल इंतज़ामिया ये प्रेस रिलीज जारी करती है कि जी क्लास बी की तमाम सहूलतें उनको दी गई हैं, तो असल में हकीकत क्या है? बिल्कुल, देखो हमने खुद देखा है, खान साहब ने जो खुद बताया कि मुझे छोटे से उसमें रखा गया है असल में, तो वो और जिस तरह उसकी हालत थी तो बिल्कुल ये झूठ बोलते जेल वाले, उसके साथ जो उसके जो ड्यू राइट्स है, यानी वह मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, एक वर्ल्ड चैम्पियन रहा है, इतनी बड़ी उसकी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। अगर आप अपने इज्जतदार लोगों को जिसकी और एक बहुत बड़ी पार्टी का लीडर है इसको आप इस तरह जो है ख्वार करते हैं तो बेसिकली तुम जो है ना उसको ख्वार नहीं करते, तुम पूरे पाकिस्तान को बेइज्जत करना चाहते हो, क्योंकि ये पाकिस्तान की बेइज्जती है। ये फरमाइएगा सर कि जब आप लोगों की खान साहब से दो तीन दिन पहले मुलाकात होगी और फिर कल शोएब शहीन साहब की, सलमान अकरम राजा साहब की और फैसल चौधरी साहब की भी खान साहब से मुलाकात होगी, तो उनकी सेहत के हवाले से तो कुछ कंसर्न आप लोगों के कम हुए होंगे? देखिए, सेहत तो उसको बिल्कुल माशाल्लाह फिजिकली तो फिट था, उसको जो फूड पॉइजनिंग हुई थी और एसिडिटी तो उसके मसाइल थे, तो मुझे पता नहीं है कल उसकी क्या हालत थी, लेकिन जब हम मिले थे तो फिजिकली ठीक था माशाल्लाह। सर ये फरमाइएगा कि आज एक और बड़ा अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस कादिर फाइज ईसा साहब रिटायर्ड हो गए हैं, उनकी जगह जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आ गए, और फुल कोर्ट रेफरेंस भी हुआ है। उस फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब समेत पाँच जज साहबान जो हैं वो शामिल नहीं हुए, तो आप क्या समझते हैं कि क्या जो अदलिया में रिफ्ट की बातें की जा रही हैं वो मजीद अभी कायम रहेगी, वो दूर दी होगी? देखिए, जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए बड़ा चैलेंज है, हम दो अगुआ के लिए, और वह बहुत बैलेंस आदमी है, हम तो रखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की इमेज ख़राब की गई, और एक मुझे यकीन है, उम्मीद है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो है ना इस चैलेंज से इस सुप्रीम कोर्ट को निकालेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला वो सही मानों में अदालत बनेगा जो आवाम को इंसाफ देगा। सर ये फरमाइएगा कि आप जिस जज को बदनीयत करार देते हैं, गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में बीबीसी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो उनको बड़ा खराज तहसीन पेश किया, वो कहते हैं कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ना होते तो 26वें आईनी तरमीम मंजूर ही ना हो पाते। उस बात ठीक कह रहे हैं कि 26 आईनी तरमीम मंजूर ही नहीं होती, क्योंकि इन्होंने इसका सबूत दे दिया कि उन्होंने करवाया, यानी उन्होंने करवाया उसको पास करवाया, और जिस तरह ये पास हुआ है क्या ये कोई कानून और आइन मानता है? जब आप कानून पास करते हैं तो उसके लिए तो आपको पूरी डिबेट चाहिए, आपको जो तमाम स्टेक होल्डर कंट्रोल करना चाहिए, तमाम जो जितने बार सिचुएशन के ऊपर ये ला इस तरह होती है, ला तो वो कहते हैं कि ला रश ला क्रश, जब आप कानून को जो है ना जल्दी जल्दी पास करते हैं तो आप उसको ख़त्म करते हैं, इसके ऊपर ब्रेन बैठती है, डिस्कशन करती है, इसके बाद ही कोई नतीजा निकालना चाहता है। तो बहरहाल काबिल अफसोस है जो कुछ हुआ, और बिलावल भुट्टो तो इस जुर्म में बराबर खुशी। असद गैस साहब ये फरमाइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक दफ़ा फिर एहतजाज की कॉल दी है और उन्होंने कहा कि हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि पीटीआई का कारकुन तो पहले ही इस बात से नाला नजर आता है कि पीटीआई एहतजाज का ऐलान तो करती है लेकिन लीडरशिप भी गायब हो जाती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक चिट्ठी होती है, मैंने जो सेनेटर को आपने बताया एक पार्टी के कैटेगरी की कहा था कि कोई सेनेटर और एम एल ए जो है ना इंतजार में शरीक नहीं होगा, बाकी लीडरशिप जो है हमारे एम पी ए सारे और मौके पर मौजूद होती है, एम पी ए भी लीडर्स होते हैं और कोई आदमी पीछे, और साथ साथ जो है ना ये वर्कर जो है ना ये हर पार्टी का एक असासा होता है, तो जो अभी एहतजाज होगा तो एहतजाज की शिकें बदलेंगे, कोई नहीं है कि हम हर दबा डीट हो जाएंगे, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकती है। अभी मेरे को पोलिटिकल कमेटी की मीटिंग बैठी, मैं नहीं अटेंड कर सका,
तो अभी वो फैसला करेगी क्या फैसला करती है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी फैसला करे करेगी उसके मुताबिक जो नाम है जज को एक नया शक्ल देंगे, नया जैन देंगे। हम दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ को भी हम साथ इंगेज करेंगे, हम दीगर जो स्टेक होल्डर उसको भी शामिल करेंगे ताकि एक वसत तौर पर पूरे पाकिस्तान को जो है ना इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा कर सके। सर ये फरमाइएगा कि कल जो आपकी मीटिंग हुई कोर कमेटी की, 7 घंटे तवील में मीटिंग चली, उसमें उनकी सियासत के हवाले से और इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से खास तौर पे क्या फैसले हुए? मैं चूँकि नहीं अटेंड किया, मैं नहीं अटेंड किया तो अभी आज उसकी इलामिया निकल आया। लेकिन आपके इलम में तो होगा ना वहाँ, क्या बात है? देखो अभी यही है कि पोलिटिकल इंगेजमेंट हम रखें तो वहाँ सियासी पार्टी में जाओ और कोशिश ये करेंगे कि दीगर पोलिटिकल पार्टीज को भी आपके साथ इंगेज करें जो अपोजिशन में है और एक बड़ा लेवल पे जो नाम इख्तिलाफ की प्लान करें और इस पाशिस्ट हुकूमत से निजात दिलाए, क्योंकि एक नाजायज हुकूमत है, परमिशन तरस की हुकूमत है, आवाम ने उनको मैंडेट नहीं दिया और उसके पास हक नहीं है हुकूमत कर। सर ये फरमाइएगा कि अमरीकी अवामी नुमाइंदों ने, 60 से ज़ायद नुमाइंदों ने जो अपने सदर को इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से खत लिखा है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या पाकिस्तानी सियासत पे उसका कोई असर होगा, एस्टेब्लिशमेंट उसका कोई असर लेगी? नहीं, असर हो या ना हो हम इसकी वो नहीं, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि दुनिया की दीगर पार्लियामेंट में भी इस जुल्म और जबर के खिलाफ और इस नासाफी के खिलाफ आवाज़ उठी और हमारे मौके की तायद हुई है। सर ये फरमाइएगा कि अमेरिका को तो हमेशा खान साहब अपनी हुकूमत गिराने का सबब भी जानते रहे हैं, उसको जिम्मेदार भी ठहराते रहे हैं, तो फिर भी अमेरिका की तरफ से आपके लिए इस तरह का जो है पैगाम आना, इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसमें कोई अहम किरदार अदा किया? देखिए बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत अहम किरदार है। देखो एग्जेक्टिव और चीज़ होती है और पार्लियामेंट दूसरी है। एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट का आपस में ताल्लुक नहीं है, पार्लियामेंट वगैरह पूरी दुनिया में हमारे पार्लियामेंट में आपस में एक मुख्तलिफ फॉर्म्स है, हम आपस में मिलते रहते हैं, तो पार्लियामेंट की जो आवाज़ है वो आवाम की आवाज़ होती है और जो हुकूमत होती है वो एग्जेक्टिव होती है, उसमें बहुत चीज़ें होती है, तो हमारा तो बिल्कुल वही मौकफ है। लेकिन जो वहाँ की पार्लियामेंट हमारे हक में पूरी है तो ये बहुत खुशहाल। सर आखिर में ये फरमाइएगा कि आप मौजूदा जो पार्लियामेंट है इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा, अपनी मुद्दत पूरी करेगा, या आप इससे पहले हुकूमत ख़त्म करवाने में कामयाब हो जाएं? देखिए ये हुकूमत तो ये रोज़ाना जो जिस तरह इकदाम कर रहे हैं, जितनी ये महंगाई इन्होंने की है और लोगों की ज़िंदगी तंग की है, उनके पास एक दिन भी ज़्यादा हो तो वो लोगों के ऊपर मजाक है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत जो है ज़्यादा जल्दी चलेगी। तो खान साहब की रिहाई के हवाले से आपको क्या उम्मीद है? खान साहब कब तक? देखो उसके केसेस की कोई बुनियाद नहीं है, मुझे उम्मीद है खान साहब जल्द रहा होगी।